Hi, I'm Manhar Seth and you're watching me on timesofindia.com. In one word, if I have to say, amazing. बहुत प्यारी जर्नी रही है एंड आई थिंक इट हैज टॉट मी सो मच एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस इन माई लाइफ एंड आई एम श्योर दिस चैप्टर विल बी समथिंग आई रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. नो नो नॉट एट ऑल. इन फैक्ट आई थिंक जब मैं घर में घुस रहा था सो आई थॉट दैट आई विल नॉट इवन लास्ट फॉर 2 weeks. पर 2 महीने लगा के आया हूँ. आई लिटरली बीन इन द शो फॉर अराउंड 2 months नाउ. तो मुझे लगता है कि इट्स एन अचीवमेंट एंड द फिनाले इज जस्ट 10 days अवे. तो मुझे लगता है कि नो रिग्रेट्स, नो हार्ड फीलिंग्स एंड मस्ती में गए थे, मस्ती में आए. अ लॉट, इन फैक्ट अ लॉट. मेरे को लगता है कि आई वॉज वन ऑफ द ओनली पीपल, वन ऑफ द ओनली हाउस गेस्ट जिन्होंने हर शख्स की जिंदगी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करा है. और बाहर निकलते हुए भी मुझे लगता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम एलिमिनेट हो रहा था, बहुत बारी एलिमिनेट हुआ हूँ मैं, तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हो रहा था देन ऑल्सो पीपल वर क्राइंग. सो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने मुझे लगता है कि हर जिंदगी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करा है. सो आई वॉज फ्रेंड्स विद एवरी वन बट ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम किसी ना किसी से ज़रूर हुआ है. या दैट इज़ ट्रू. पर फ्रेंड जोन भी आप गलत कह रहे हैं, इट वॉज़ एक्चुअली ब्रो जोन. तो उन्होंने ब्रो जोन करा है मुझे. पर वो मुझे लगता है कि जो घर में लड़कियां आई थी दे ऑलरेडी हैड रिलेशनशिप्स आउटसाइड. तो उन्होंने कहा कि कोई भी लड़का आता है उसको हम ब्रो जोन कर देंगे. तो जो एक आधी सिंगल थी वो जो और भूखे लोग बैठे हैं उन्होंने मार ली. सो आई थिंक दैट इट हैज़ बीन अ सैड जर्नी इन द हाउस बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ गर्ल्स मस्ट बी वेटिंग आउटसाइड फॉर मी. तो उनसे मिलने के लिए बेकरार हैं. Generally, I think I developed a very beautiful equation with 2 people in the house. One was Mr. Deepak Thakur and the second was Nikita Bamidipati. Nikita pehle mujhse eliminate ho gayi thi. Deepak who's still in the show. So I think these are 2 people who I'll miss a lot in the show. And Deepak and I will be coming up with a good song in the future. So just watch out for that. Everyone, I told everyone that I'll throw a huge scene party. I'll throw a huge party. So no hard feelings for anyone, absolutely no one. So I'll be friends with everyone, but obviously ek thoda jo zyada connection tha, jaise suppose Nikita ke saath tha ya kisi aur ke saath, jaise develop ho gayi ek equation, unke saath thoda zyada milna julna rahega. Par friends ki jahan tak baat hai, mujhe lagta hai everyone will be good friends with me. Yeah, definitely we'll continue whatever we had in the show. So I wanted to start on the same note as we left it on. So we were best friends in the show and I think we'll continue being best friends for as long as God wants and we want us to be. So aisa kuch nahi hai, nothing is going on between us. I just want to clarify because bari bari sunne mein aa raha tha mujhe ki tumhara chal raha hai and everything. But nothing is going on between us and had it been anything, you'll be the first one to know. Dekhiye, main dekhta kisko hoon aur hota kaun hai usme farak ho sakta hai. पर जहाँ तक मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है वो चीज़ हो भी सकती है, वो है दीपक ठाकुर जी. मुझे लगता है ब्यूटीफुल. आई थिंक हिज गेम इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ही हैज़ फ्रॉम द प्रीवियस शो ही हैज़ डन. तो मुझे लगता है कि और जो उनकी ज़ुबान है, जो द टंग ही हैज़, इज़ द बिगेस्ट वेपन अ मैन कैन हैव. सो ही कैन लिटरली डिसमेंटल एंड डिस्ट्रॉय एनी वन इफ ही वॉन्ट्स टू. तो आई थिंक ही इज़ अ winner in my eyes and I hope he lifts the trophy this season. I think 2 people in fact. So मुझे लगता है किंग्स साइड पे जो हैं दीपक जी, वो उधर से एक माइंड गेम उनकी काफ़ी बिकॉज ही इज़ अ वेरी ब्रेनी पर्सन, तो उनका वहाँ से चलता है. एज़ फार एज़ जैक साइड जो एक हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि सलमान जो हैं उनकी माइंड गेम चलती रहती है. पर उनकी हाल ही में मैंने देखा इन द पास्ट 2-3 weeks his game has become very dirty, in fact very very dirty. So I think if he resorts to these dirty chances then I think his chances of becoming the winner will decline. But otherwise he is a brainy guy and I think he should use his brains elsewhere and not in the dirty zone. The day I was getting eliminated, the first time I was getting eliminated and all the house guests wanted me to stay, and I somewhere or the other I saw tears in Mastermind's eyes as well. So I thought that made me realize my importance in the show
and I did not end up leaving. I was in the show. That was the third week. That was the fourth week, in fact, and I just exited the show after 9 full weeks. So I feel that somewhere or the other, that made me realize that I actually am important and I am actually giving a lot to the show, and I had so much more to offer. So that was one memory which will stay with me for the rest of my life, I think. I was asked the same question the day I was entering the house, and now that I've exited, I've been asked the same question. I'll still stick to my words jo maine pehle bole the. I think he's an amazing guy. He's one of the most genuine people. Usually hosts of the shows, what they do is they just come, unko peeche se in ear mein bata raha hota hai koi, and they just say what they have to say. But he is a person who actually invests his time, his emotions, and so much into the show that he's actually an integral part of the show, and he is who he is for a reason. Ye show unse hai, unke liye hai, aur I think absolutely no one can replace him. Maine jaate jaate unke liye ek shayari bhi kari thi, agar wo episode jab aata hai, just watch it guys. To mujhe lagta hai ki he's one of a kind. And agar main shayari, chalo main ek baar suna deta hu, maine kuch aisa likha tha, arz kiya hai कि जब कभी संसार का इतिहास लिखा जाएगा, कि जब कभी संसार का इतिहास लिखा जाएगा, मास्टरमाइंड तेरा नाम पहले पन्ने पे आएगा, कि जब कभी संसार का इतिहास लिखा जाएगा, मास्टरमाइंड तेरा नाम पहले पन्ने पे आएगा, ना तेरे जैसा कोई था, ना तेरे जैसा कोई है, और ना तेरे जैसा कभी कोई आएगा, ना तेरे जैसा कभी कोई आएगा. तो मुझे लगता है कि ही इज़ वन ऑफ अ काइंड, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, एंड आई थिंक ही शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट ही डज द बेस्ट. I think I just want to thank all of you all, because you have blessed me with so much of love and so much of support the entire journey for 2 months. Aapne itna pyar diya hai, and I thank you all for so much, and I think that I will give you all the love and the support in my own way. Jo main karta hu, main koshish karunga ki us sabko wapas lota sakun apne pyare mohabbat ke andaaz mein. Aur mujhse judi rahiyega. If you don't follow me on social media and all, just follow me so that I can get in touch with you guys, and I can share my experiences, and we can share each other's experiences just to get to know each other better. Aur kabhi kabhar waqt ki kami rehti hai, par main koshish zarur karunga ki main aapse lota do us mohabbat ko wapas lautaun. Aur bahut bahut dhanyawad mujhe show pe dekhne ke liye, bahut bahut dhanyawad mujhe show pe pasand karne ke liye, and I'll be back soon with something interesting and something very different jo mujhse mere viewers dekhna chahte hain. So thank you so much, and thank you to toi.com as well, jo inhone itna pyara ek interview arrange kiya. So thank you so much.